स्टॉक मार्केट में टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं। पर क्या आपको पता है, अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें तीन इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और तीनों के तीनों इंडिकेटर्स सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि है मोमेंटम की। तो इस वीडियो में जो कि है हाउ टू कंबाइन टेक्निकल इंडिकेटर्स, दिस विल हेल्प यू ट्रेड लाइक ए प्रो, मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर बात करूंगा। ये भी बताऊंगा कि आपको मैक्सिमम एक टाइम पर कितने इंडिकेटर्स चाहिए और कौन कौन सी कॉम्बिनेशन में इंडिकेटर्स को यूज करने से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। ट्रेडर्स के स्क्रीन पर इस तरह के चार्ट दिखना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप ट्रेडर्स के स्क्रीन देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, जहां पे मल्टीपल बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स लगे होंगे उनके चार्ट के ऊपर। अधिकतर ट्रेडर्स को ये पता होता है कि वो कौन से इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, पर ये भी सच है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को, मैं कहूंगा 99% इंडिकेटर्स के बारे में ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसका जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंडिकेटर, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं देखता हूं कि चार्ट्स के ऊपर RSI, स्टोकेस्टिक सब इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं। इसका ऐसा करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। पहले तो मैं बात बता दूं कि ये इंडिकेटर्स जो भी चार्ट पे देख पा रहे हैं वो सभी एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मोमेंटम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप चार्ट पर कोई ट्रेडर्स इस इंफॉर्मेशन को अपने चार्ट पर रखेगा, ऐसे इंडिकेटर्स को अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखेगा, तो उसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम्स होंगी? उसके दिमाग में ये भ्रम होगा कि उसने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के रखे हुए हैं, अब मुझे जो मार्केट में सिग्नल मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, क्योंकि तीन इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं। तो अभी यहां पर देख लीजिए, जो लेटेस्ट दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, यहां पर स्टोकेस्टिक कह रहा है सेल, RSI भी ओवरबोट से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो उसके दिमाग में क्या आया होगा ट्रेडर्स के कि ये एक शॉर्ट है, आंख बंद करके इसे शॉर्ट किया जा सकता है स्टॉक को या फिर निफ्टी को, जो आप चार्ट देख रहे हैं। लेकिन वो गलती क्या कर रहा है कि ये तीनों के तीनों इंडिकेटर सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये उसे पता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं किस तरह से वो फंस सकता है। अगर मैं इसे स्क्रॉल करूं तो मार्केट ऊपर ही जा रहा था डायरेक्ट, तो वो इस ट्रैप में फंस गया होता। अगर ये मोमेंटम तीनों के तीनों इंडिकेटर एक ही टाइप के ना लगा के अगर वो मैक्सिमम दो इंडिकेटर अलग अलग तरह के यूज करता, तो ये प्रॉब्लम में वो नहीं फंसता। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेडर्स को इंडिकेटर्स के बारे में फंडामेंटल नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो भी चार्ट्स पे यूज किए जाते हैं, वो ब्रॉडली चार टाइप के होते हैं। इन्हें चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन इज मोमेंटम इंडिकेटर्स, एक होते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स, दूसरे होते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, तीसरे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स, और चौथे होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर्स। तो एक के बाद एक हम इन चारों टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं और हमें कौन से यूज करने चाहिए वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स की। मोमेंटम इंडिकेटर्स बेसिकली जो भी प्राइस में मूव आ रहा है, जो भी प्राइस मूव कर रहा है, उसमें कितने रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है वो बताते हैं। अगर इसे देखा जाए, चार्ट पर भी देख ही पा रहे हैं होंगे आप, तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 100 के बीच में होती है। कोई भी इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि स्टोकेस्टिक है 0 से 100, RSI भी 0 से 100। अगर वैल्यू 80 के ऊपर चले गई मोमेंटम इंडिकेटर में, तो वो ओवरबोट हो जाता है और उसे शॉर्ट करना चाहिए। RSI में भी आप 70-30 का फॉर्मूला यूज किया जाता है नॉर्मली, तो अगर 70 या फिर उसके ऊपर जाती है वैल्यू, तो उसे शॉर्ट कहा जाता है मोमेंटम इंडिकेटर्स में। और मोमेंटम इंडिकेटर में भी आपको मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बेसिकली सभी जितने भी तीनों मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो सेम इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स तीन टाइप के होते हैं जो ब्रॉडली यूज किया जाते हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। तो उसमें है नंबर वन, जैसा स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है, एक होता है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, दूसरा RSI इंडिकेटर, और मोमेंटम इंडिकेटर भी होता है। हमारे देश में अधिकतर ट्रेडर्स द्वारा स्टोकेस्टिक और RSI को ही यूज किया जाता है। तो अगर आप चार्ट पर इंडिकेटर लगा रहे हैं, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि हम
दो इनमें से दो भी कोई भी यूज करें, क्योंकि दोनों के दोनों इंडिकेटर सेम इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। स्टोकेस्टिक और आरएसआई को अगर आप साथ में लगा रहे हो चार्ट पे तो कोई फायदा नहीं है, आप अपने स्क्रीन पे मैस कर रहे हैं, उसे डर्टी लुकिंग कर रहे हैं, तो आप अवॉइड करें ऐसी चीज को। खाली एक इंडिकेटर लगा सकते हैं इनमें से कोई भी, क्योंकि तीनों के तीनों इंडिकेटर सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी टाइप का जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर्स। तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स बेसिकली जो प्राइस में मूव आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ को ही दिखाते हैं, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो ली जाती है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन को लिया जाता है। तो अधिकतर ट्रेडर्स द्वारा जो हमारे देश में यूज किया जाता है वो इंडिकेटर है ओबीवी। ओबीवी मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम। दूसरा भी होता है शाइकिन ऑस्किलेटर, पर हमारे देश में मैंने देखा नहीं है कि उसे यूज करते हो, तो मैं ओबीवी के बारे में ही बात करूंगा। वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरे टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स बेसिकली जो भी प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है उस चेंज को दर्शाता है। इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो चेंज आएगा, जो भी मार्केट अगर बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ रही है तो उसकी वैल्यू भी बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ती है, और अगर प्राइस बहुत ही शांत रहता है, रेंज बाउंड रहता है, तो उसकी वैल्यू भी बहुत ही डाउन रहती है। तो बेसिकली जो मेन इंडिकेटर्स ट्रेडर्स द्वारा यूज किए जाते हैं वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स, वो होते हैं एक तो एटीआर होता है, एवरेज ट्रू रेंज, और दूसरे टाइप का इंडिकेटर्स होते हैं बोलिंगर बैंड को भी यूज किया जाता है। तो अगर आप स्क्रीन पर भी देखें तो अगर मैं बहुत ही बेसिक में इसकी फंक्शनैलिटी बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर यहाँ पर देखें इस एरिया के पास में नीचे भी तो बहुत ही शांत था, तो इसकी वैल्यू बहुत ही नीचे थी, पर यहाँ से एक सडन चेंज आया था प्राइस के अंदर यहाँ तक, तो उसकी वैल्यू भी ऊपर भागी थी, लेकिन एकदम से फिर नीचे गिरा भी था बहुत जल्दी से, लेकिन इसकी वैल्यू ऊपर ही गई, क्योंकि प्राइस के चेंज को ये बता रहा है, कितना स्पीड से कितना रेट से प्राइस में चेंज हो रहा है उस वैल्यू को, उस चीज को बताता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है ट्रेडर्स के लिए इस टाइप की इंफॉर्मेशन को ढूंढ पाना। तो अगर आप चार्ट के ऊपर बोलिंगर बैंड भी रख रहे हैं या फिर एटीआर भी रख रहे हैं, दोनों चीज रख रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, इनमें से कोई भी एक को यूज किया जाता जा सकता है। बाद में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन का इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल। चौथे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर्स। ट्रेंड इंडिकेटर्स बेसिकली इट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है ट्रेंड में और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और इसमें एक बात खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि एक बार प्राइस में चेंज आने के बाद में ये इसकी वैल्यू में बदलाव होता है। तो बेसिकली कई प्रकार के ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं ट्रेडर्स द्वारा, वो होते हैं एक तो मूविंग एवरेजेस, बहुत ही कॉमन है मूविंग एवरेज को यूज करना, ये भी मार्केट में की ट्रेंड को ही बताते हैं कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर होता है एमएसीडी, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये भी ट्रेंड को ही आइडेंटिफाई किया जाता है इसके थ्रू भी, और एडीएक्स को भी यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स द्वारा, और इसके अलावा भी पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर होता है, तो उसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स द्वारा यूज किया जाता है। तो इन चारों इंडिकेटर्स को एक साथ में रखना, मैं अगेन बता रहा हूँ ये बात कि साथ में ना रखें, एक इंडिकेटर से इनमें से बहुत है आपकी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की। अभी बात करते हैं कि हमें कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स को यूज करना चाहिए अपने स्क्रीन के ऊपर। जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है ओबीवी, यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम। उसके ऊपर ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज लाइन को ड्रॉ करके ट्रेड करना। किसी भी इंडिकेटर के ऊपर दूसरा इंडिकेटर कैसे ऐड किया जाता है कि आपको उस इंडिकेटर पे जाना है जो भी आपका इंडिकेटर ऐड किया हुआ है, और उसमें मोर इन्फॉर्मेशन में जाके ऐड इंडिकेटर ऑन ओबीवी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जा करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर ऐड करना है। तो बेसिकली इसे कैसे ट्रेड किया जाता है कि जब भी मूविंग एवरेज लाइन को ओबीवी लाइन तोड़ती है, अगर नीचे से ऊपर तोड़ रही है तो वहां पे फिर बाई सिग्नल, और ऊपर से नीचे तोड़ रही है तो वहां पे एक शॉर्ट सिग्नल क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसको नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ दिया तो मैंने बाई कर लिया, और ऊपर से नीचे तोड़ लिया तो मैंने सेल कर दिया,
ओबीवी लाइन ने मूविंग एवरेज लाइन को अगर नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा है, तो मैं उसके बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। अगर ये नीचे से ऊपर चले गई तो इसका मतलब है मेरे हिसाब से कि मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड है और मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढूंगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर जो भी टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग करना, तो मैंने जो भी 9 साल में सीखा है उसको मैंने एक वीडियो के अंदर ढाल दिया है। मतलब जो एक्चुअल में स्ट्रेटजी काम करती है, जो एक्चुअल में सिस्टम काम करता है, जो प्रॉफिटेबल है, जो मुझे प्रॉफिट करके दिया है उसने, उसको मैंने एक वीडियो में डाल दिया। अगर आप चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के लिंक में, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी आप इसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं। हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन है बोलिंगर बैंड और RSI की, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। तो इसे ट्रेड करने के लिए पहले तो बोलिंगर बैंड मैंने अपने चार्ट पर डाल लिया है और RSI भी प्लॉट कर लिया है। तो इसे ट्रेड करने के लिए बेसिकली जब भी RSI में सिग्नल ओवरबॉट आ जाता है, यहाँ पे ओवरबॉट आ गया सिग्नल, और वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है, तो फिर बोलिंगर बैंड में भी वो अगर रिवर्सल दिख रहा है, उसने अपनी अपर बैंड को टच करके वहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है मेरे लिए। यहाँ पर भी वही सिग्नल देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ओवरबॉट हुआ RSI में, और बोलिंगर बैंड में भी अपर बैंड को तो टच किया हुआ था, वहाँ से एक रिवर्सल भी देखने को मिला, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो गई। तो इस प्रकार से मैं इस कॉम्बिनेशन को यूज करके ट्रेड करता हूँ। तीसरी कॉम्बिनेशन जो मुझे लगता है बहुत ही इफेक्टिव है, वो है मूविंग एवरेज और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की। तो मैंने अभी मेरे चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज लाइन भी प्लॉट कर ली है यहाँ पे, और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को भी प्लॉट कर लिया है। तो इसको ट्रेड करने के लिए बेसिकली ये है कि जब भी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में बाई सिग्नल आएगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर हो तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे कि इस केस में शॉर्ट करने के लिए ये ऊपर है, मूविंग एवरेज लाइन के प्राइस ऊपर है, तो मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पर भी बाई सिग्नल मिला है लेकिन प्राइस भी मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, तो ट्रेड नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एरिया के पास में बाइंग आया है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पे, और प्राइस भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही चले गया, तो वहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है, जो कि अच्छी खासी चली है। और यहाँ पर भी दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी हुई है, जब स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पे बाई दिखाई दे रहा है और प्राइस भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चले गया, तो वहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है जब हम कुछ कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। और मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स को, तो 2 से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। बार बार में बहुत जल्दी जल्दी अपने इंडिकेटर्स को चेंज ना करें, लॉस तो होना ही है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि एक बार लॉस हो गया, 2 बार लॉस हो गया तो अपने इंडिकेटर को चेंज कर दें। आप उसे टाइम दें, रिसर्च करें, और उसके बाद में जब आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर दूसरा कोई इंडिकेटर को यूज़ करके आप कोशिश कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।